दोस्तों टेक्सचर चेकआउट कीजिए ग्रेवी का। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार सा अफगानी एग कोरमा, या कह सकते हैं वाइट एग कोरमा। काफ़ी मज़े का बनता है और बनाना काफ़ी आसान है। तो आइए देखते हैं ये अफगानी एग कोरमा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों आज बना रहे हैं हम अफगानी अंडे का कोरमा, या वाइट एग कोरमा भी से कह सकते हैं। तो कुकिंग ऑयल लिया है हमने 250 ग्राम। कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे हम प्याज। प्याज लिए हमने 200 ग्राम। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए और प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। दोस्तों प्याज हमारे पिंक हो चुके हैं और इनका जो कच्चापन है वो निकल चुका है, तो अभी प्याज बाहर निकाल लेंगे। अभी इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 50 ग्राम लहसुन का पेस्ट, 50 ग्राम अदरक का पेस्ट, साथ ही थोड़ा सा पानी डालें ताकि जो लहसुन है वो नीचे ना चिपके। अब अदरक और लहसुन के पेस्ट की अच्छे से भुनाई कर लेनी है ताकि इनका जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए और जो मसाला है वो अच्छे से पक जाए। अंदर चल रहा है अदरक और लहसुन का भुनाव और बाहर छोटे छोटे बच्चे हमारे हमारी मदद कर रहे हैं, अंडे छील रहे हैं। दोस्तों इधर चल रही है बुनाई और इधर अभी हमारा जो पेस्ट है वो रेडी कर लेते हैं। पेस्ट के लिए हमने लिए काजू, मगज और हमारे जो प्याज हमने फ्राई किए थे, लाइट प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया, इन सब का एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। कुकिंग ऑयल सेपरेट हो चुका है, अदरक और लहसुन के पेस्ट का बुनाव अच्छे से हो चुका है। इसमें हम डालेंगे अब 200 ग्राम दही। अभी दही का बुनाव अच्छे से कर लेंगे। अभी इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। दोस्तों कुकिंग ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है और दही का बुनाव अच्छे से हो चुका है। अभी इसमें हम डालेंगे जो पेस्ट अभी हमने तैयार किया था। अब 8 से 10 मिनट पेस्ट की अच्छे से भुनाई कर लेनी है, साथ ही डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि जो काजू हैं वो नीचे ना चिपके। तो दोस्तों जो मसाले हैं हमारे अच्छे से पक चुके हैं, ऑयल सेपरेट हो चुका है। इसमें हम डालेंगे अब 1 कप क्रीम। क्रीम को अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को कर देंगे लो, क्योंकि क्रीम को हमेशा आप कम फ्लेम पर पकाएं। अगर फ्लेम ज़्यादा रहेगी तो क्रीम जलेगी, पकेगी नहीं। अंडे में कांटे से इस तरह हल्के हल्के से होल कर लेने हैं ताकि जो ग्रेवी है वो अच्छे से अंडे को ऑब्जर्व कर ले। क्रीम हमारी हाफ कुक हो चुकी है, इसमें डालेंगे मोटी लाल मिर्च जो कि हमने भिगो के रखी थी, और साथ ही इसमें अब डाल देंगे अंडे। अभी इसमें डालेंगे हम अंडे। अंडे 1 by 1 डालने हैं ताकि अंडे टूटे नहीं। अंडे डालने के बाद बर्तन को इसे हल्के हाथ से हिला लें ताकि जो अंडे हैं वो ग्रेवी को अच्छे से ऑब्जर्व कर लें। अगर चम्मच से इसे चलाएंगे तो अंडे टूट सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमारा अफगानी एग कोरमा बनकर बिल्कुल तैयार है। इसमें ऊपर से डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर, चॉप किया हुआ हरा धनिया, ये देखिए हमारे अफगानी एग कोरमे का टेक्सचर। तो दोस्तों अभी बनके तैयार है हमारा मजेदार सा अफगानी अंडा कोरमा, या वाइट एग कोरमा भी हम इसे कह सकते हैं। बिल्कुल आसान सी रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।